वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक स्क्रम्शियस। तो इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी ट्राई कलर सैंडविच। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी है, बिना किसी मेयोनेज के यूज़ करे और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट। तो किस बार की देरी है, फटाफट से बनाते हैं ट्राई कलर सैंडविच इंडिपेंडेंस डे। तो हमारा जो सैंडविच है बहुत ही हेल्दी है, तो हम प्रोबायोटिक दही का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो हंग कर्ड का यूज़ भी कर सकते हो, बहुत ही क्रीमी होता है, थिक होता है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ओरिगैनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। आपको और चाट मसाला या कोई भी और स्पाइसेस डालने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि सैंडविच के लिए ये तीन जो स्पाइसेस हैं इनफ हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। तो ये हमारी क्रीम रेडी है जो कि हमने दही से बनाई है। अब मैंने ली है पुदीने और धनिया की चटनी और थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो आप क्या करोगे, अलग अलग कटोरी में धनिया की चटनी और एक कटोरी में पिज़्ज़ा की चटनी निकालोगे और जो हमने ये वाइट बेस बनाया है इसके अंदर आप इसको ऐड करोगे। तो अब ट्राई कलर में तीन कलर्स हैं और हमारे ये तीन कलर रेडी हैं। हमने सैफरन कलर के लिए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के अंदर क्रीम कर्ड मिलाया था और हरे रंग के लिए हमने इसके अंदर ग्रीन चटनी का यूज़ किया था। तो अब ये हमारा ट्राई कलर का जो क्रीम है, जो कि एक्चुअली में क्रीम नहीं है, वो रेडी है। बहुत ही हेल्दी है ये वर्जन, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड बहुत ही आसान है। कर्ड वैसे ही बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये मैंने बड़े सैंडविच जो होता है, ब्रेड होता है, वो लिया है। आप चाहे तो मल्टी ग्रेन ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले लेयरिंग हम करेंगे ग्रीन कलर की। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ ट्राई कलर ढोकला शेयर किया था, बहुत ही आसानी से बना था माइक्रोवेव में, एक मिनट में हमने ये बनाया था। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो हमने यहाँ पर एक लेयर हमारी जो पुदीने की चटनी है उसकी लगा दी है, साथ में हमने सैलड लीव्स रखे हैं और ग्रीन कलर को इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर बहुत सारा खीरा लगाएंगे। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है, साइड बाय साइड बहुत ही हैवी है, फिलिंग है बट लो कैलोरी है। तो थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर लीजिएगा ओरिगैनो और सॉल्ट और फिर हम ऐड कर देंगे ग्रीन चटनी और कलर को इन्हांस करने के लिए। वाइट कलर के लिए हमने ये जो दही बनाई थी, प्रोबायोटिक हमारी कर्ड है, हम इसके ऊपर लगाएंगे पनीर। तो वेजिटेबल्स भी हो गए, पनीर भी हो गए, तो हो गया ना ये फुल मील हमारा, ल्यूसी ज्यूसी सैंडविच। मेरा वर्जन है ये, बर्गर्स मिलते हैं पर हम सैंडविच बना रहे हैं। और सैफरन कलर के लिए मैंने ऐड कर दी है थोड़ा सा गाजर जो हमने सॉस बनाया था उसके ऊपर। तो ये हमारा ट्राई कलर का बहुत ही टेम्प्टिंग फिलिंग सैंडविच रेडी है फ्रेंड्स। थोड़ा और टैंगी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम सॉस डाल देंगे, ऑप्शनल है, और कवर कर देंगे। अब क्या करना है, चाहे तो ग्रिल भी कर सकते हो बट हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। आप देख सकते हो ये लेयर्स जो है निकल कर कितनी अच्छी आई हैं और जो कर्ड है वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कर्ड है, वो आपको मेयोनेज या क्रीम का लुक दे रहा है। एंड फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है। अब हम इसको कट करते हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो बट जो सैंडविच का ट्रेडिशनल शेप है वो ट्रायंगल है। तो ये रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस इंडिपेंडेंस डे पर अगर आप ये सैंडविच बनाते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लेट्स कुक स्क्रम्शियस पर ज़रूर टैग करना। आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट है रिलेटेड टू कोई भी रेसिपी, तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरे फेसबुक अकाउंट लेट्स कुक स्क्रम्शियस पर। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग और इसको बनाते हैं और भी ज़्यादा
टेम्पटिंग। तो यहाँ पर एक सैंडविच लिया, आप देख सकते हो कितना बड़ा सैंडविच बना है ये। एंड हमने और छोटा छोटा सा बनाया है ट्राई कलर लुक देने के लिए, खीरा और इसमें पनीर का पीस रख दिया, ग्रेटेड गाजर रख दिया, तो ये भी ट्राई कलर का एक सिम्बॉलिक आपने एक छोटा सा स्नैक एड ऑन कर दिया है। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट मील बन गया है, आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी ट्राई कर सकते हो। ऊपर से भी हमने थोड़ा सा लेयरिंग कर दी है गाजर से, पनीर से, और थोड़ा सा मैंने सैलेड लीव्स लगा दिए, तो ऊपर भी ट्राई कलर है, साइड में भी ट्राई कलर है। सो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी है, तो इतना तो बनता ही है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत आसान है, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इन्जॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।